आप सब देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। अमेठी गौरीगंज स्थित आइडियल पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। आइए देखते हैं इसकी कुछ खास झलकियां। गुजरता हूं और रामपाल भैया का घर दिखता है तो एक बार जरूर उनका चेहरा मुझे याद आ जाता है, जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते थे, हर दुख सुख के हमारे साथ ही थे। और अभी मैं आ रहा था तो मैंने अपने गाड़ी पे बैठे लोगों पे कहा एक दिन प्रधानमंत्री से मिल लिया जाए, बहुत दिन हो गया है। उनसे बहुत कुछ हमको सीखने को मिला है। वो हमारे पिताजी के साथ, दादाजी के साथ राजनीति करते थे। जब भी इस गांव में आता हूं उनकी कमी हमको खलती रहती है। उनको आप सबके माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को हमेशा सुख शांति मिले ऐसी प्रार्थना इस गांव की धरती पे के माध्यम से करना चाहता हूं। यहां उपस्थित पुनः अपने सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करते हुए, नौजवानों से कंधा मिला के साथ चलने का आह्वान करते हुए, अपने परिवार के इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान बरकरार रहे और इनके माँ बाप को इनकी परवरिश करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, ऐसा शक्ति उनके परिवार को मिले, धन धान से ऐसी परिपूर्णता उनके परिवार को मिले, इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। और मैं अभी बैठा था, रामचंद्र जी से पूछ रहा था कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं। इन्होंने कहा लगभग 600। हमने कहा कि इन्होंने मुझे बताया कि अब आपने दो पुल दे दिया है, तो वो दो पुल जब बन जाएंगे तो विद्यालय में छात्रों की संख्या और बढ़ जाएगी, तो आप छात्रों की संख्या बढ़ाइए, मैं छात्रों के बैठने की व्यवस्था को बढ़ाऊंगा।